हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आप सभी का वेलकम है और आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं छोले। और यह हो रहा है शाम का टाइम, तो डिनर का टाइम हो रहा है, शाम हो चुका है। आज का वीडियो मैं ब्लॉग शाम से ही चालू कर रही हूँ और मैं बना रही हूँ चने, ऐसे खट्टे मीठे चने बना रही हूँ। और थोड़ा सा मन हो रहा था कि चने खाए जाए, और वैसे सब्जी तो मैं ये तो सिर्फ खाने के लिए बना रही हूँ मैं, और बाकी सब्जी वगैरह तो दोस्ती बनेगी, तो सोचा चलो थोड़े चने बना लेते हैं, आपके साथ शेयर कर देते हैं। कल मैंने इन्हें गला दिए थे, घर के ही चने हैं, देसी चने हैं, तो मैंने इन्हें गला दिए थे रात को ही। और अभी बॉईल कर लिए हैं मैंने कुकर में और उनको निकाल लिया है। तो ये देखिए मेरे चने हैं, जो ब्लैक वाले चने आते हैं ना, ब्राउन वाले, वो हैं ये। और यहाँ पे मैंने बाउल में जो इधर ना इमली का पानी, इमली रखा है, तो इमली बॉईल हो रही है वो, क्योंकि थोड़ा सा खट्टा मीठा होना ना, तो इमली का पानी भी मैं इसमें डालूंगी, तो इसलिए वो मैं गर्म पानी में उसे कर रही हूँ, क्योंकि तुरंत ही मैंने उसे भिगोई थी इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने तेज़पत्ता और दालचीनी थोड़ी सी निकाली है, वो मैं डालूंगी चनों में अपने, और इसके बाद बनाते हैं चलो। तो ऑयल ले लिया है मैंने, ऑयल थोड़ा सा ही लूँगी। और यहाँ पर मैंने कटे बारीक, बिल्कुल बारीक कटे हुए प्याज ले लिए हैं, और उसे अच्छा ब्राउन होने तक मैं फ्राई करूँगी, थोड़े से ब्राउन हो जाए इतनी देर। और यहाँ पे मेरा पानी भी हो रहा है इमली का, और ये अच्छे खासे ब्राउन हो चुके हैं। इसके बाद मैं डाल दूँगी थोड़ा थोड़ा धनिया, मिर्ची पाउडर, सारे जो सूखे रेगुलर मसाले आते हैं वो सारे डालूँगी मैं इसमें, ज़्यादा तीखे नहीं करूँगी मैं, हल्के हल्के सारे मसाले डालूँगी। और ये टमाटर मैंने चॉप करके रख लिए थे, तो ये टमाटर हैं, थोड़े से टमाटर डालूँगी इसमें, और थोड़े सब्जी के लिए रख लूँगी, और नमक स्वाद के अनुसार। तो बस ये पूरा मसाला चने का हो गया है, तो यार मैंने चने डाल दिए हैं, और ये चने को थोड़ा सा मैं कर दूँगी। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें इमली का पानी, अभी तुरंत नहीं डालूँगी इसमें, मैं थोड़ा सा पानी भी डालूँगी, ताकि थोड़ा सा हल्का सा जूसी जूसी छोले बने, बिल्कुल सॉफ्ट। तो वो पकने पे हो ही गए थे, लेकिन एक जूसी आता है ना फ्लेवर, वैसा बने। और यहाँ मैंने डाला इसमें काला नमक, ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा ही डाला है, क्योंकि इसमें सफ़ेद नमक भी मैंने डाल चुकी थी, तो थोड़ा सा काला नमक डाला है मैंने। और इसे अच्छे से मिला के, और फिर इसके बाद मैं इसमें डालूँगी इमली का पानी। तो इमली का पानी मैंने बॉईल कर लिया था, और इसे बस थोड़ा सा छान लूँगी, और जितना निकलेगा, ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस हल्का सा ही डालूँगी, ज़्यादा खट्टा नहीं करना है इसे। जितना आप खट्टा खा सको आप उतना ही इसे करना, और बहुत टेस्टी लगता है ऐसा खट्टा मीठा बनाओ तो, एक फ्लेवर आ जाता है। मेरा मन कर रहा था कि थोड़ा सा खट्टा खाओ, क्योंकि बहुत दिन से इस दवाई का मुँह हो रहा था ना, और बिल्कुल टेस्ट नहीं आ रहा था, तो मैं सोचा कि थोड़ा सा आज बनाती हूँ, थोड़ा मुँह का स्वाद भी चेंज हुआ, क्योंकि अभी तबीयत ठीक नहीं थी ना, तो मुँह अजीब सा हो गया था, बिल्कुल कड़वा सा और बेकार सा। और इसमें हल्का सा मैंने गुड़ भी डाला है, तो आप चाहो तो डालना, ना चाहो तो ना डालना। तो बस ये हमारे चने बॉईल हो रहे हैं, मैं गैस चेंज कर लूँगी, क्योंकि इधर मुझे दाल भी बनानी है खाने के लिए, तो इसलिए मैंने अपनी कढ़ाई को उधर रख दिया और कुकर को इधर। तो यहाँ पे मैं कुकर में ऑयल डाल दिया इसका, जीरा डाल के, और ये जो प्याज बचाए थे मैंने वो डाल दिए हैं, क्योंकि मुझे दो सब्जी बनानी ही थी, तो मैंने एक साथ सारा ही कर लिया था। तो यहाँ मैं बनाऊँगी मूंग की दाल, आज डिनर में बनेगी हमारे। ये देखिए ये मूंग है जो मैंने इसको उंगा लिए थे, और इसके और घर के ही मूंग है, और मैं घर पे ही इसको कर लेती हूँ। और बस प्याज होने के बाद मैं इसमें सारे सूखे मसाले मैंने डाल दिए थे, उसके बाद मैंने डाला है इसमें टमाटर, और बस ये मसाला जब अच्छे से हो जाएगा इसके बाद मैं वो डाल दूँगी इस पाउडर। तो ये देखिए मेरे बन गए हैं बिल्कुल, आधे डाल दिए हैं मैंने, और बस पानी डाल के सीटी लगा ली है, और काफ़ी टेस्टी दाल बनी थी। मुझे इसकी दाल बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आपको बताऊं कि मेरे सास ससुर आए हुए हैं, तो उन्हीं को मैं चने बन गए थे, तो मैं चने देने के लिए गई थी,
मेरी सासू माँ ही हुई है, तो सासू माँ को आए हुए तो 8 दिन हो गए, लेकिन जब मैंने वीडियो नहीं बनाया था कुछ भी तो आपको दिखाया भी नहीं मैंने, तो वो आए हुए हैं, तो वो दोनों आगे बैठे हैं खाना खाने के लिए, तो बस मैं फटाफट खाना बनाती हूँ और उनको देती हूँ। अभी तो मैंने उन्हें जो चने बनाए थे वो दे दिए हैं, तो वो लोग खाएंगे दोनों चने जब तक मेरा खाना बन जाएगा, और फिर उनको खाना भी दे दूँगी मैं। तो बस यहाँ पे मैं कुछ बात करने के लिए खड़ी होगी, तो हम लोग बात कर रहे थे, वो लोग चने खा रहे थे, मैं बस बातें कर रही थी उनसे, और बस इसके बाद खाना पीना मेरा सारा हो गया, और अब हो गया है मेरा किचन क्लीनिंग का टाइम। तो खाना पीना सबने खा लिया है, अभी हस्बैंड जी नहीं आए हैं, उनको आने के लिए अभी टाइम है, वो 9 बजे तक आते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक आते हैं वो। बाकी सब लोग तो खाना खा लेते हैं क्योंकि इतनी देर नहीं बैठ सकते, और मेरे सास ससुर थोड़ा जल्दी ही खाना खा लेते हैं क्योंकि गांव पे जल्दी ही खाना खा लेते हैं, और भूख लगने भी लगती है वैसे, तो हस्बैंड जी आते हैं जब वो खाते हैं, बाकी सब लोग का हो जाता है। और यहाँ मेरे बर्तन बस क्लीनिंग हो गए हैं, इसके बाद गैस साफ करूँगी और मेरा किचन का टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे बर्तन भी पूरे क्लीनिंग हो चुके हैं, और छोटा सा मेरा है बर्तन रखने का, और बर्तन ये बड़े बड़े हैं, ऊपर हैं जो ऊपर आ जाते हैं, ज़्यादा बड़ा मेरा किचन बहुत छोटा है आप लोगों को पता है जैसे, तो बस छोटी छोटी ही चीज़ रखती हूँ। यहाँ मेरा गैस साफ़ हो गया है, बर्तन हो गए हैं, और बस इसके बाद मेरा किचन क्लीनिंग ख़त्म। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा, पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप लोगों के साथ